मैं फहीम रजा खान आज अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी मालेगांव शहर सेंट्रल की जो है कार्यकारिणी घोषित की गई है, जिसके अंदर में तमाम जो मेम्बरान हैं, जो अहदेदार हैं, जो हमारी कौम के मुजाहिद है, जो आने वाले समय में मालेगांव शहर के अंदर में एक मुजाहिदाना पार्टी को लेकर मालेगांव का नक्शा बदलने के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये तमाम मुजाहिद को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का परचम उठाया है, और उनसे हम उम्मीद के आने वाले समय में कुछ सालों के अंदर, चंद सालों के अंदर में मालेगांव का नक्शा बदल कर रख देंगे। यहाँ आज जो गंदगी और खस्ता हाल के लिए जाना जाता है, इंशाल्लाह एक दो सालों के अंदर में मालेगांव शहर अपने विकास के लिए पहचाना जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज हम मालेगांव सिटी के अंदर में है, और मालेगांव सिटी से विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा 2024 का मध्य मालेगांव से मोहम्मद इमरान को हमने मोहम्मद फरहान को कैंडिडेट बनाया है, और इंशाल्लाह ताला ये आने वाले वक्त में चुनाव जीत के आपका नया एमएलए बनने वाला है। इस ये शख्स अभी जल्द ही एक दो दिन में अपना फॉर्म भरेगा। अगर यहाँ के जिस तरह से हालात है, लोग बदमाशी कर रहे हैं, लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, मैं गांव के बदमाशों और गुंडों को और चिल्लर लीडरों को आह्वान कर रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, अगर गलती से भी एमडीपी के कैंडिडेट के ऊपर मैं दबाव डाला या उसको धमकाने की कोशिश करी, तुम्हारी सात पुश्तों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये एमडीपी पार्टी है, तुम्हारे घर से उठा करके तुम्हें जेलों के अंदर घुसा देगी। इसलिए बिवेयर, हमारा ये मुजाहिद यहाँ से चुनाव लड़ रहा है और लड़ेगा। कोई भी आदमी आकर के धमकाने की कोशिश ना करे, वरना वो हाल करेंगे कि ना तो तुम्हारी मर्दों में गिनती होगी और नई हिजड़ों में भर्ती होगी। फिर अमानुल्लाह, महाराष्ट्र में हो रहे हैं विधानसभा के चुनाव को लेकर माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी सेंट्रल की पूरी टीम जो आज मालेगांव पहुंची। मालेगांव के अंदर में आने वाली सेंट्रल विधानसभा सीट के लिए माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी ने मोहम्मद फरहान को आज यहां का कैंडिडेट तय कर दिया। हम देख रहे हैं जब मालेगांव पहुंचकर, हम जब मालेगांव के अंदर जब पहुंचे, तो हमने यहाँ के हर हालात का जायजा लिया। हमने देखा कि पिछले आज़ादी के कई सालों से मालेगांव वासी हर चीज़ से परेशान हैं। यहाँ के रास्ते, जहाँ से हमें पहुँचना है वो रास्ते खाली, शिक्षा का अभाव, शिक्षा में कोई सुविधाएं इनको नहीं दी जाती है। इतने सालों के दरमियान जब हम यहाँ मालेगांव पहुँचे तो हमने देखा कि बहुत बदतरीन हालात में यहाँ के लोग जी रहे हैं। कई बातें हमारे सामने, यहाँ के लोग यहाँ के जानवरों की तरह जीते हैं, हमें वो बात बहुत बुरी लगी। और हमारे नौजवान साथी माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के, हमारे नौजवान नागपुर के साथियों के जरिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं, और आज फरहान को हमने सेंट्रल मालेगांव से हमने उम्मीदवारी दी है। मालेगांव और दूसरी भी विधानसभा के लिए भी हमारा उम्मीदवार तय होने जा रहा है, और उम्मीद करते हैं आज जो नौजवान साथी यहाँ पर बैठे हुए आज हमारे साथ में, हमारे सरपरस्त, हमारे सब कुछ, हमारी जान इंजीनियर मोहम्मद हामिद साहब यहाँ पर इस मालेगांव के इष्ट के कैंडिडेट को तय करने के लिए पहुँचे हैं। सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आज वो हमारे साथ में। उसी तरीके से नागपुर की तमाम टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारा यहाँ का मध्य का आने वाला दिनों में जो चुनाव है, वहाँ का आमदार माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी का मोहम्मद फरहान ही होगा, यकीन है इंशाल्लाह। और उसी तरह उम्मीदवारी भी जो हम जिसे देने जा रहे हैं, यकीन ये भी अल्लाह की जाप से कि वो भी जिस सीट हम तय कर रहे हैं और वो भी सीट हम जीत कर ही यहाँ से निकलेंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो फरहान है कि यहाँ के लोगों से मिले, यहाँ के लोगों का जायजा ले, यहाँ के हालातों का जायजा ले, और आने को से ये वादा करे कि हम आने वाले दिनों में माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के जरिए गांव के हालात को हम बदल कर ही रहेंगे। आइए फिर एक बार हम मुबारकबाद देते हैं फरहान को, और अल्लाह से दुआ करते मेरे हबीब के सदके में कि फरहान की इस आने वाले चुनाव में यकीनन जीत होगी। माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, इंजीनियर हामिद साहब जिंदाबाद, माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, फरहान साहब जिंदाबाद।